गाड़ी की हालत काफी खराब हो रही है, गंदी हो रही है, इंजन में सब गंदा हो रहा है, गंदी हो रही है गाड़ी यार। मैंने इधर से ना एक शेक पिया था, ओ भाई कसम से बड़ा मजे का था, बड़ा रिफ्रेशिंग था। पोस्टमार्टम होने लगा है यहाँ पर अभी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। अभी नाक का पाइपलाइन ठीक हुआ, मैंने रखकर देखो तुम लोगों से तो अस्तग़फ़िरुल्लाह। अभी तक अगर तुम लोग सब्सक्राइब में सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दो। जॉन सुल्तान माफिया। अच्छा, वीडियो कंटिन्यू होने से पहले मैं ये बता दूं कि सुल्तान माफिया के चैनल के ऊपर 10,000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर एक आ रहा है गिव अवे, तो जल्दी सब्सक्राइब करो। गिव अवे पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। नाश्ते का टाइम हो रहा था, मामा ने बोला कि बेटा हलवा पूरी खा लो जाकर। मैंने बोला नहीं यार, इतनी गर्म रश वश होगा सब कुछ, होकर कोई रश वश नहीं, जल्दी जाओ खा लो। तो लेकर आते हैं, खाने नहीं बैठूंगा, लेकर आ जाऊंगा। रश नहीं होगा, लेकर आ जाऊंगा, खाने नहीं बैठूंगा भाई, मेरा कोई इरादा नहीं फॉर होने का। चलो भाई पहले इस गाड़ी को वो चेक कर लेते हैं अपना, क्या कहते हैं पानी। यार पानी छाने तो बिल्कुल गाड़ी के अंदर सही है यार, मतलब प्रॉपर है, नो टेंशन। अच्छा दूसरा मसला जो ऑयल का था, मैंने अभी चेक करें, नीचे हटो बाबर, वेट है। गर्म इंजन में कभी नहीं खोलते, उबलता आएगा। इसका पानी ऐसे चेक हो जाता है, बिकॉज यहाँ से अंदर जाता है पानी। सर जगह देंगे थोड़ी। यार ये तुम लोग देख रहे हो ऑयल, ये गिरा हुआ है इधर, इसका मतलब इसका ऑयल फिल्टर चेंज होने वाला है, मसला है। सो इसको मैं करवाता हूँ थर्सडे वर्सडे को जाकर। यार आ जा भाई, आ जा। अच्छा इधर रश रुश ना मिले कोई। अब अच्छे डंपर खड़ा, अब यार डंपर के आगे पीछे लग रही सही टाइट वाली गाड़ियाँ मुझे भी फिलहाल तो। इतने खड्डे बहुत हैं इस रोड पे यार, हैरत है, जब कोई घूम ही नहीं रहा सामने यार, वरना तो रश लगवाता है वेटर्स का। ये बैठे वेटर्स, लगता है तुझे काम वाम नहीं करने का इरादा हो गया। पराठे ला दो, सॉरी पूरी, और सारा सामान ला दो। अच्छा वो भी ला देना, चार सब चाहिए ना यार, क्या मतलब सबको चाहिए। गुड 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 गुड, कह रहे यही लगा दो गाड़ी, वैसे रश नहीं है। अब सही में रश नहीं है इसके पास यार, इतना रश होता है ना आपको गाड़ी खड़ी करने जगह नहीं मिलती, इंसान वेटर नहीं मिलता आपको साफ। वेटर यहाँ बैठा हुआ है वेला, वरना वेटर आपको मिलेगा ही नहीं इधर फारी, और अंदर तो जगह ही नहीं मिलती बैठने की, इतना रश होता है इधर। आज खाली पड़े, आज छुट्टी का दिन है, लोग आ नहीं रहे होंगे, लेबर हॉलिडे पे। अरे पैसा पूरी शूड़ी हमारी आ चुकी है यहाँ, हो गई नहीं ये। चल मैं जब मेरे बड़े भाई खाते थे, एक दो रुपए खाते थे, अपना पहचान गया था, कहते तुम्हारे बड़े भाई खाते थे ना, तो एक रुपए की दो रुपए की होती थी उस टाइम पे। मैं कहा बिल्कुल सही है, अब भाई भी यही कहते हैं। फिर जब मैंने खाने लगा थोड़ी सी महंगी हो गई, मतलब कि अब और भी ज्यादा महंगी हो गई है। मैंने बोला चल भाई यह तो लग रहा है कि मेरे हम लोग की जब आगे और ज्यादा नस्ल आएगी ना, तो वो बच्चे आएंगे और आगे छोटे बच्चे आएंगे, जैसे मेरे भाई के बच्चे सब हो गए, वो तो 1,000 रुपए की पूरी कर देंगे लग रहा है मुझे। दिन आगे ये लोग यार, दिस इज बिजनेस। सुल्तान माफिया ना बड़ा अच्छा बच्चा है, सब्सक्राइब जब करता है सबकी इज्जत रख के करता है, सब्सक्राइब करता अपनी भी इज्जत रख लो थोड़ी सी। तो भाई साहब हमारे बड़ी मजेदार किस्म की प्लेट बन चुकी है, और अब इस रोड इसको जरा तोड़े। अच्छा ये मैं ना जरा नरम पूड़ी बनवाता हूँ, मामा जाती इतनी कड़क क्रिस्प बनवा लेती, उसको यू हल्का सा करो टूट जाती है। तो भाई उसमें कुछ आते ही नहीं, कुछ आएगा तो सैटरडे बंदा कुछ खा तो सकता है। लेवल है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ब्रेकफास्ट हैज बीन कंप्लीटेड, अल्हम्दुलिल्लाह। यार वैसे भी घर पे बैठे बैठे कुछ कर तो रहे नहीं थे, मैंने कहा चलो यार गाड़ी की हालत काफ़ी ख़राब हो रही है, गंदी हो रही है, इंजन वंजन सब गंदा हो रहा है, तो सर्विस ही करवा लेते हैं। तो अभी बस चलते हैं उसे सर्विस करवाते हैं, चल के आ जाओ बंद हो जाओ, तो कितनी गंदी हो रही है गाड़ी यार, सब सर्विस सर्विस करवाओ इसकी, मैं कितनी गंदी हो रही है, तो उसकी सर्विस करवाता। इसका वाइपर भी एक चेंज होने वाला है, वो मैं कल करवाऊंगा, कल मार्केट खुलेगी तो कल चेंज करवाऊंगा वाइपर भी। मुझे ना गंदी गाड़ी बड़ी बुरी लगती है यार, आप नहीं बैठना, आपकी गाड़ी साफ रखो फ्रेश रखो, क्या जरूरत है गंदा छोड़ने की गाड़ी को यार, मुझे गंदी गाड़ियां बड़ी बुरी लगती है। आई होप सो कि ट्रैफिक ना हो इधर, ट्रैफिक इधर से मतलब सर्विस स्टेशन पे ज्यादा लाइन नहीं लगी हो, नहीं लगी होगी तो फिर मैं अभी बैकआउट कर दूंगा करने से, फिर बाद में कर लेंगे सर्विस। यार इस गर्मी तुम लोग देखो, इतनी गर्मी है कि भाई जान सुबह आपके वाले साहब ने रोड खरीदा है क्या, ये रोड के तो बीच में ऐसे गाड़ी खड़ी करके बैठा है, पता नहीं ना सुबह रोड। यार 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 अबे यार
कितनी लगेगी इस बंदे से? हर बंदा बच के रहा, इस बंदे से हर बंदा बच के रहा। खर्चा निकलवाने से आके यही है इधर। कितनी लगेगी? कितनी लगेगी? आगे तीन गाड़ियां लगी हुई है, इधर दो गाड़ियां लगी हुई है। वो बाहर गाड़ी अंदर जाएगी पीछे। आप लोग बना रहे हो ब्लॉग? काम मेरे यही है। कोई भी गाड़ी, मैं बोल रहा हूँ। मैंने इधर से ना शेक पिया था, ओ भाई कसम से बड़ा मजे का था, बड़ा रिफ्रेशिंग था। अभी थोड़ा सा मैं नजला थोड़ा सा बाकी रह गया, वो सेट हो जाए फिर वापस से इसका ट्राई करेंगे। मेरे साथ पिया था ओरियो पिया था, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी था वो। उसने बोला था बाइक आउट क्या है, तो उसने कहा था पाकिस्तानी है, तो मैंने पिया था। पोस्टमार्टम होने लगा यहाँ पर, अभी 5 मिनट का बोल के आधे घंटे बाद बारी आई है। पूरी गाड़ी साफ सुथरी हो गई है, ठीक है। अभी जब भी तुम लोग सफाई करो ना अपनी गाड़ी की, हमेशा ये जो एरियाज होते हैं ना जहाँ गाड़ी का दरवाजा बंद होता है, इनके अंदर हमेशा चेक क्या करो, इधर बहुत कचरा मिट्टी निकलती है, तो ये भी एक पॉइंट होता है चेक करने का। और गाड़ी हमेशा पूरी चेक करो जब सर्विस करवा लो। ये कब लगी गाड़ी है मेरी, ये पॉइंट कब लगा? याद नहीं आ रहा कब लगा, उसे नहीं लगाऊंगा गारंटी इस बात की। मैं गाड़ी की चमक गई अंदर से, ओहो बेहतरीन। ओए होए 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 होए, आपकी गाड़ी जब बिल्कुल साफ हो ना, ओए होए होए होए, तो मजा ही अपना आता है गाड़ी को चलाने का, बिल्कुल साफ सुथरी माशाल्लाह। ओए होए होए, कसम से मजा ही अपना आता है फिर गाड़ी चलाने का, फील ही अलग आती है। इस बंदे को इधर बैठा हुआ था, मैंने बोला जा रहा हूँ, मैंने सफाई कैसी है, कह रहे क्या मेहनत ही कर दिया ऐसा, तो मेरी मेहनत करवाने की लोगों से। धूप सी चमाटे करा रही है, ये देखो तुम लोग, धूप सही चमाटे करा रही है। मतलब मैं जो ना इस कर्टन के पीछे हूँ, हाथ आगे क्या हुआ, हाथ पे हीट फील हो रही टाइट वाली। ओए होए 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 होए, मैंने गर्मी स्वेट्स गर्मी फिलहाल वगैरह मैं शलवार कमीज वगैरह निकल गई है इसका, उस मेरा जो नाड़ा था सामा सा अपने साथ लेकर, तो मैंने अपनी दूसरी शलवार कमीज में निकाला है। मुझे जाने के निकाह के अंदर जो कि मस्जिद में घर के बहुत ही करीब है, 30 सेकंड दूर है घर से ना, मतलब कि बंदा वॉक करके भी जा सकता है। तो मेरा तो इरादा था कि ना मैं ऐसे ही चला जाऊँगा इस हालत में, और ये बोल दूंगा भाई मैं तो नमाज पढ़ने आया था, मुझे क्या पता था निकाह और मुझे इन्वाइटेड हूँ, मुझे इन्विटेशन है, वही लगे साले तुझे इन्विटेशन हमने भेजा, तू तो ऐसी बातें कर। मैं जो था ना सोचा था ये कपड़े ना इसके ऊपर ही पहन लो, मम्मा ने बेटा बेहोश हो जाएगा पसीनों से, मैं कहा चलो यार चेंज कर लेते हैं फटाक से। और जी बोलो जी, बिल्कुल डिक्टो टाइमिंग से रेडी हुए हैं, बिल्कुल डार्क हो गया, बस इट्स अबाउट टू अजान, बंद करते हैं। हटो बच्चों निकलो, वॉलेट रखो जेब में और निकलो। 2 seconds later. घर पहुंच चुके हैं और बड़े मजे का सीन हो गया पापा के साथ। मैं असल में जब भी मस्जिद जाता हूँ हमेशा, जब से मेरी चप्पल चोरी हुई ना मैं उसे छुपा के रखता हूँ, जैसी भी चप्पल हो तो सस्ती चप्पलें, लेकिन ये मुझे मिल गई थी महंगी क्योंकि ईद चल रही थी। पापा कह रहे बिल्ला यार का मसला हो गया, मैं बोले कह रहे यार मेरे जूता गायब हो गए, मैं पहले तो जूते पहन के आने नहीं चाहिए मस्जिद, और दूसरी बात मैंने कहा अपने रखे कहते कहते अंदर वाले रैक में रखे, मैं फिर तो आपके साथ देखा सही नहीं होगा, मैं अंदर वाले रैक से तो कोई चोरी नहीं करता। खैर मैं कहता आप किसी और की पर कहते कहते मैं तुम्हारी लिखते नहीं करता, मैं उसको परेशान नहीं करता, मैंने कहा आप भी परेशान कर रहे हो उसको भी परेशान कर रहे हो। वाह पैक इन टू द ओल्ड लुक, असल में मैं वो पहन के रख सकता था, फिर मैंने बोला यार आज पूरा दिन ये चला लिए, इसी कपड़े को चलाओ और इसको गंदा करो, मतलब पसीने वसीने आ जाते ना, अभी वो फ्रेश फ्रेश निकाली है
उससे पहले पसीना आ जाए, गंदी हो जाए, उससे हमने वापस टंगा दिया अंदर अलमारी में। यार मैंने बोला ब्लॉग एंड करने से पहले ना हम एक काम करते हैं, जो गंदे तेल में डाले बर्गर बनते ना वो खाकर आ जाओ। गंदे तेल के अंडे वाले बर्गर, ये पहुंच गए हम लोग गंदे तेल वाले अंडे वाले बर्गर वाले के पास। आ जाओ भाई आ जाओ, गाड़ी में मुंहाऊंगा, यहाँ पे मजा नहीं आता पकड़ने में। सही बात है। ओए होए अंडे वाले बर्गर। पूरा आधे घंटे बाद मिल गए भाई, पूरा आधे घंटे बाद। इतना रश अल्लाह माफ करे। बंद करो यार, थक गया भाई वेट कर 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 करके थक गया भाई मैं तो। तो भाई सब सीन जैसे जो व्लॉग तुम लोग अभी देख रहे हो ना, यही वाला व्लॉग मैं एडिट कर रहा हूँ। अब मैं सब व्लॉग एंड कर रहा हूँ, सो लाइक एंड सब्सक्राइब कर, बेल आइकन दबा देना। 10 फॉलोअर गिव अवे मेरे पास पड़ा है, सो डू सब्सक्राइब, 10 फॉलोअर्स पर गिव अवे मिल जाएगा। और तुम लोग से मिलेंगे नए व्लॉग। अपना ख्याल रखना, इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब फॉलो कर लेना।